ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ത്യ. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. Aaj hi subscribe kare Wi-Fi study channel ko. Hello. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का हमारे इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई पर. और सभी लोग फटाफट से आ जाइए. आज हम इस पर जो भी मैंने पढ़ा दिया अभी तक लैंप के बारे में डिस्कशन कर लिया है, जितने टाइप्स के लैंप्स के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में जनवरी और उससे पहले जो मार्च में एग्जामिनेशन हुआ था 16 का 17 में और 17 का 18 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 18 का जो कि अब होने जा रहा है 23 तारीख को, तो SSC JEE में जो पूछे गए हैं उसी पर बेस्ड आपको सिलेबस चूँकि रेलवे का दिया गया है, तो रेलवे पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, वो क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. एज वेल एज हम उसी टॉपिक के इल्यूमिनेशन के टॉपिक को आगे बढ़ेंगे. इल्यूमिनेशन टॉपिक आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. एक दो दिन लगेगा आपका इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग और इलेक्ट्रिकल हीटिंग में, ठीक है. तो इसको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग. तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस सब्जेक्ट में. क्रैश कोर्स चल रहा है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट बाइंड करो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड. सर, सारे सब्जेक्ट बाइंड करने का मतलब ये है कि आप अपने तरफ से कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं. मैंने अपनी मेहनत पूरी कर दी है, बाइंड कर रहे हैं 4 तारीख से, ठीक है. आपको प्लस क्लास में भी मैंने बताया कि प्लस क्लास में क्या चल रहा है. ऑलरेडी पावर सिस्टम मैं वहाँ पर ख़त्म कर चुका हूँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म कर चुका हूँ. यहाँ पर मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल कर दिया, मशीन कर दिया, मेजरमेंट कर दिया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया. ये 5वां सब्जेक्ट है जो यूटिलाइजेशन है. आपका मैराथन क्लास जो सैटरडे संडे चलेगी उसमें पावर सिस्टम जो मैं कराने वाला हूँ. पावर सिस्टम की दो से चार घंटे की क्लास लूँगा सैटरडे में, और संडे में भी 4 घंटे की तकरीबन क्लास लूँगा. तो इस तरीके से 8-8 घंटे की क्लास हो जाएगी और पावर सिस्टम जो है वो काफ़ी कुछ आप लोग सीख जाएंगे. जो लोग प्लस कोर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको एडवांटेज है, बट यहाँ पर कुछ लोगों ने प्लस में कुछ कर दिए, प्लस में उन्होंने मशीन नहीं पढ़ा है, तो मशीन उनका करेंटली रनिंग है, DC मशीन, ठीक है. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी. आप सभी लोग परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं. SSC JEE के अंदर हम प्रैक्टिस कोर्स कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट डे बाई डे जो आप पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट को आप वहाँ पर प्रैक्टिस के पर्पज से क्वेश्चन करने के लिए आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है. तो SSC का सब्सक्रिप्शन परचेज करना भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा. मैंने आपको कल सब कुछ बता ही दिया कि क्यों परचेज करना है और क्या परचेज करना है, ठीक है. तो सभी लोग फटाफट से पहले जुड़ जाइए, जो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए. मिस्टर सुदीप्ता बहरा, आई विल टेल यू स्फेरिकल मीन कैंडल पावर. मुझे पता है आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है. MSCP के बारे में पूछ रहे हैं आप. तो इसके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी में, और मुझे पता है वो क्वेश्चन क्या है. जब डिस्कशन होगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. मुझे भी पता है क्या क्वेश्चन आया हुआ है और उस पर आपको क्या बताना है, ठीक है. ओके, सो हम लोग कल इन क्वेश्चंस पर थे कि 120 वाट का 60 वाट का इनकैंडेसेंट लैंप है, ठीक है. हैज़ टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 साइकिल्स पर सेकेंड 1 फेज AC सप्लाई, सिंगल फेज AC सप्लाई. इन ऑर्डर टू डू सो अ सर्किट एलिमेंट हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लैंप.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एलिमेंट इज प्रेफरेबल, इनमें से कौन सा सीरीज एलिमेंट जो होगा वह प्रेफरेबल होगा। हिंदी में बोले तो 120 वाट का 60 वाट का लैंप था कोई, 120 वोल्ट का है, 120 वोल्ट का 60 वाट का कोई लैंप है, 60 वाट का लैंप है। सपोज करो कि आपके घर पे आप जो मार्केट से बल्ब खरीद के लेके आए वो 120 वोल्ट रेटिंग का और 60 वाट का है। अब उसको किससे कनेक्ट कर दिया आपने, 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई से। अगर आपको उसको इन ऑर्डर टू डू सो, अगर आपको उसको चलाना है, चाहते हैं कि वो जले, तो इसमें से कौन सा सर्किट एलिमेंट है जो उसके साथ सीरीज में लगाओ, उस लैंप के साथ सीरीज में लगाओ ताकि वो जो है वो ऑपरेट हो सके, प्रेफरेबल कौन सा है। एक कैपेसिटेंस लगाओगे या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस लगाओगे या रेजिस्टेंस लगाओगे या प्योर इंडक्टेंस लगाओगे। सो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, कल मैंने आपको ये होमवर्क दिए थे, बताइए फटाफट। हाँ जी बताइए फटाफट, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिस्टर कृष्णा सिंह, हाउ टू रिवाइज सो मेनी टॉपिक्स, स्टार्ट फ्रॉम द वन सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स द सीरियल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस स्टार्ट रिवाइजिंग। आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, एक सब्जेक्ट पहले ख़त्म कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से। ओके तो आंसर इज डी, ओके आंसर इज डी ओनली, प्योर इंडक्टेंस आपको लगाना होगा, प्योर इंडक्टेंस। अच्छा बात यह है कि प्योर कैपेसिटेंस या प्योर रेजिस्टेंस क्यों नहीं। प्योर रेजिस्टेंस अगर देखो दोस्त, अगर आप प्योर रेजिस्टेंस लगाओगे बल्ब के फिलामेंट के साथ सीरीज में, अगर आप प्योर रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो हीट लॉस क्रिएट करेगा। आपको जैसा कि पता है कि इनकैंडेसेंट लैंप या जीएलएस लैंप जो आपके प्राय पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, जीएलएस मींस जनरल सर्विस लाइट, जीएलएस लैंप जो यूज़ किए जाते थे 100 वाट के बल्ब जो हैं, अगर उनमें अगर आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हीट लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, तो वो मेल्टिंग पॉइंट तक जो ऑलरेडी पहुँच रहा है वो गल जाएगा जल्दी, है ना, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँच गया वो बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए आप रेजिस्टेंस जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस जो है वो आप प्रेफर नहीं करेंगे। आप कैपेसिटेंस क्यों नहीं लगाएंगे, कैपेसिटेंस इसलिए नहीं लगाएंगे कि वो ह्यूज वोल्टेज अपने अक्रॉस स्टोर कर लेगा। जब वो ह्यूज वोल्टेज स्टोर कर लेगा तो वो डैमेज कर देगा उस फिलामेंट को, ठीक है, तो आप कैपेसिटेंस जो है वो आप प्रेफरेबल नहीं है। सो कैपेसिटेंस प्रेफरेबल नहीं है, रेजिस्टेंस प्रेफरेबल नहीं है, प्रेफरेबल इज ओनली इंडक्टेंस, जो है वो इंडक्टेंस आप लगाओगे। इंडक्टेंस के अक्रॉस जो एवरेज पावर होती है वो जीरो होती है, तो कोई हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है, हीट लॉस नहीं होगा और सडन चेंज जो होगा करंट का वो उसको अपोज करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई प्रेफरेबल एलिमेंट इज इंडक्टेंस ओनली, प्रेफरेबल एलिमेंट और प्रेफरेबल एलिमेंट इज इंडक्टेंस। क्लियर, सभी लोगों को समझ में आया, चेंज ऑफ करंट नहीं होने देगा, बिल्कुल सही। सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिसेंट ट्यूब सर्किट हाई वोल्टेज सर्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई। इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, फटाफट से बताइएगा।
आंसर इज डी, वेरी गुड, चोक। सो ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ है एसएससी जेई में, ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे जेई में पूछे जा सकते हैं। सो डी आंसर इज राइट। आगे बढ़ेंगे, ये मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे आपको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए फटाफट। इन अ फ्लोरिसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ चोक इज प्राइमरली टू, देख सकते हैं पहले तो पूछा कि स्विचिंग सर्ज के लिए आप क्या लगाओगे, सर्ज वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए, मींस हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए तो आप चोक लगाओगे। अब पूछा है कि उसी फ्लोरिसेंट ट्यूब में चोक का फंक्शन क्या है, चोक का काम क्या है, तो आप बताइए यहाँ पर कि व्हाट इज द वर्क ऑफ चोक। इंप्रूव्स द ब्राइटनेस ऑफ द ट्यूब, इनिशिएट द डिस्चार्ज, रिड्यूस द फ्लिकर, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। व्हाट इज द वर्क ऑफ द चोक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द चोक। आंसर इज मिस्टर राहुल साहा, स्टार्टर का काम स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना होता है, ठीक है, स्टार्टर का काम नहीं होता है, स्टार्टर का काम स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना होता है। यस, वेरी गुड, कनेक्ट, करेक्ट आंसर इज इनिशिएट द डिस्चार्ज, वेरी गुड। सो आंसर इज बी ओनली, चोक का काम यही है आयोनाइज करना, है ना, तो जो आपने उसके अंदर आर्गन गैस भरी है उसको आयोनाइज करने का काम ही चोक का होता है। हाई वोल्टेज क्यों प्रोड्यूस किया, हाई वोल्टेज इसलिए प्रोड्यूस किया ताकि वो जो गैसेज हैं उसके अंदर भरी है वो आयोनाइज हो जाए और बल्ब जल्दी जल जाए, बल्ब जल जाए, जैसे CFL में होता है। CFL में आपने देखा होगा कि जैसे आप जैसे ही आप स्विच चालू करते हो तो फ्लिकरिंग होती है स्टार्टिंग में, और फ्लिकरिंग के बाद वो CFL पहले साइड में देखा होगा गर्म होता है, लाल होता है, थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, फिर उसके बाद वो जलता है, तो वो काम चोक करता है, इनिशिएट द डिस्चार्ज ओनली, वेरी गुड, आंसर इज बी, आंसर इज बी, क्लियर। मिस्टर प्रांकुल साहब, चोक के अंदर कॉइलिंग की जाती है, ठीक है, आपका कॉइल होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो बांधे जाते हैं, बहुत सारे टर्न्स देखा होगा, काफ़ी हैवी होता है तो कॉइलिंग की जाती है, बेसिकली उसके अंदर कॉइल होती है। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज करेक्ट, ल्यूमिन, वेरी गुड, सो आंसर इज ल्यूमिन, ल्यूमिनस फ्लक्स का आंसर हो जाएगा ल्यूमिन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 200 वोल्ट लैम्प टेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इट प्रोड्यूसेस अ टोटल फ्लक्स ऑफ 2860 ल्यूमिन्स, द एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प इज, द एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प इज, मिस्टर सुदीप्ता बेहरा यहाँ ये नहीं बोल रहा कि वो डिस्चार्ज करेगा, आर अभी आपने क्या क्या नाम पढ़े हैं, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प, मरकरी डिस्चार्ज लैम्प ये नाम पढ़े हैं ना, तो उस डिस्चार्ज का मतलब क्या है, ये नहीं होता कि डिस्चार्ज कर रहे हो आप,
देखो आपको 200 वोल्ट का लैंप दे है और दिया है 1 एम्पियर की करंट, तो जाहिर सी बात है कि आपको पावर क्या होगी, वी आई। सो 200 मल्टीप्लाई बाई 1, सो इट इज 200। और आपको ल्यूमेंस पर वॉट, इफिशियंसी इज इन ल्यूमेंस पर वॉट, सो इफिशियंसी इज इन ल्यूमेंस पर वॉट 2860 डिवाइडेड बाई 200। सो अगर आप इसको करेंगे तो ये आएगा 143 और आपका आ जाएगा 14.3 ल्यूमेंस पर वॉट। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, इतने इजी इजी क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। सो 14.3 ल्यूमेंस पर वॉट इज़ द राइट आंसर, 14.3 ल्यूमेंस पर वॉट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर डज द गैस वेपराइज एंड ब्लैकेंस द लैम्प इन अ गैस फिल्ड लैम्प। किस टेम्परेचर के बाद जो है वो गैस वेपराइज होती है और लैम्प जो है वो ब्लैकेंस हो जाता है इन अ गैस फिल्ड लैम्प, किस टेम्परेचर के पश्चात। What is the answer? Yes, correct. 3000 degree. After 3000 degree, beyond that temperature, gas vaporizes and blackens the lamp in a gas filled lamp. Okay. Next question. Which type of lightning is used in a stadium? Which type of lightning is used in a stadium? Direct lightning, indirect lightning, direct flood, indirect or semi-direct. Which type of lightning is used in a stadium? और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपका टॉपिक है तो पहले इसके बाद मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कौन सी लाइटनिंग यूज करते हैं आप, फटाफट से आंसर करेंगे। विच टाइप ऑफ लाइटनिंग इज यूज्ड इन, करेक्ट, स्टेडियम में फ्लड लाइटिंग, वेरी गुड, ये मैं आपको बताया हूं। ओके, सो विच टाइप ऑफ लाइटनिंग इज यूज्ड इन स्टेडियम, दैट इज फ्लड लाइटनिंग, है ना। कौन सा लैंप यूज करते हैं इसके लिए, फ्लड लाइटिंग के लिए कौन सा लैंप यूज करते हैं, कल ही पढ़ाया आपको, बताइए फटाफट। फ्लड लाइटनिंग कौन सा लैंप है, फ्लड लाइटनिंग कौन सा लैंप है, फ्लड लाइटनिंग कौन सा लैंप है, बताओ भाई। ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था ये मैं बता देता हूं। ओके, लीव दैट, कौन से ईयर में आया था छोड़ो उसको। यस करेक्ट, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर, मरकरी वेपर, अकॉर्डिंग टू द एरिया, है ना, मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी रिक्वायर्ड, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपके मरकरी वेपर भी हो सकता है, वो सोडियम वेपर भी हो सकता है। 22 से 33 ल्यूमेंस पर वॉट की एफिशिएंसी देता है आपका सोडियम वेपर और 40 से 50 ल्यूमेंस पर वॉट की एफिशिएंसी देता है आपका मरकरी वेपर। आगे बढ़ेंगे, सो जीएलएस लैंप। अब यहाँ पर इस GLS लैंप पर दो क्वेश्चन पूछे गए थे एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन में एक GLS लैंप दिखा है, तो उस GLS लैंप को देखकर कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं सबसे पहले GLS लैंप को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि GLS लैंप है क्या। GLS लैंप, आपको मैंने इनकैंडिसेंट लैंप बताया है ना, वो इनकैंडिसेंट लैंप बाद में आया, उससे पहले GLS लैंप था, अर्ली 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के लगभग जो लैंप था वो
GLS lamp tha, general lighting service is the traditional type of lighting bulb that has been used is used since the early 20th century. मैंने 12वीं बोल दिया 20वीं शताब्दी. So early 20th century, 20वीं शताब्दी के लगभग जो आपका बल्ब आया था वो आपका GLS lamp था. 1879 में तो अल्वा थॉमस ने ही जो है थॉमस अल्वा एडिशन नहीं जो है वो बल्ब. क्लियर. तो आपका अर्ली 20th सेंचुरी. इट हैज द क्लासिक पियर लाइक बल्ब शेप एंड इट्स वर्सेटैलिटी मींस इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ लाइटनिंग बल्ब अवेलेबल टुडे. आप मार्केट से जो बल्ब खरीद रहे हैं वो अभी भी ये लैंप मिलता है आपको. इस तरीके का लैंप देखा होगा आप सभी लोगों ने. इस तरीके का लैंप जो है वो अभी भी मिलता है. ठीक है, जनरल लाइटनिंग सर्विस. तो अब सबसे अच्छा अगर आपसे पूछा जाए, सबसे सस्ता अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे सस्ता लैंप कौन सा है. अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे सस्ता लैंप कौन सा है तो GLS लैंप के बाद आया आपका इनकैंडिसेंट. इनकैंडिसेंट के बाद मरकरी वेपर, सोडियम वेपर, देन आपका CFL. ठीक है, तो ये आपका डेवलपमेंट था. तो दिस इज द GLS लैंप. अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन पूछा ये गया है कि जो इसका ग्लास होता है, ग्लास, ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं आपको. इन केस ऑफ फ्रोस्टेड GLS लैंप, फ्रोस्टेड ग्लास, फ्रोस्टेड GLS लैंप का मतलब जो आपका जो ग्लास है वो फ्रोस्टेड GLS लैंप कहा जाता है. फ्रोस्टेड GLS लैंप, फ्रोस्टिंग ऑफ शेल इज डन बाय. क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको. आर्क लैंप अभी पढ़ेंगे हम लोग, वेट अ मिनट. ग्लेयर भी पढ़ेंगे. ये सारे क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क पर दूंगा. ठीक है, ओके. ये रहा दिस क्वेश्चन, ये रहा ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को देखो. इन केस ऑफ फ्रोस्टेड GLS लैंप, फ्रोस्टिंग ऑफ शेल इज डन बाय. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो फ्रोस्टिंग ऑफ शेल, अभी इसकी हिंदी तो नहीं पता, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि फ्रोस्टेड ग्लास का मतलब क्या है. ठीक है, तो जो आप ग्लास यूज कर रहे हैं उसकी फ्रोस्टिंग कैसे किससे की जाती है. उसकी फ्रोस्टिंग की जाती है एसिड से, एसिड इचिंग. ये क्वेश्चन आपका जनवरी के सेट में पूछा गया है, 29 जनवरी 2018 को ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है. 29 जनवरी 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन. ओके, क्लियर. सो एसिड इचिंग जो है वो की जाती है. आया समझ में. और इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा. फ्रोस्टेड ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय द सैंड ब्लास्टिंग और एसिड इचिंग ऑफ क्लियर शीट ग्लास. दिस क्रिएट्स अ पिटेड सरफेस ऑन द वन साइड ऑफ द ग्लास पैन एंड हैज द इफेक्ट ऑफ रेंडरिंग द ग्लास ट्रांसलूसेंट बाय स्कैटरिंग द लाइट विच पासेस थ्रू, दस ब्लरिंग इमेज व्हाइल स्टिल ट्रांसमिटिंग लाइट. ब्लरिंग इमेज कैन बी पॉसिबल. ठीक है, अब इसको अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए कि क्या लिखा है. हिंदी में देखिए कि क्या लिखा है. फ्रोस्टेड कांच जो है वो स्पष्ट शीट ग्लास के सैंड ब्लास्टिंग या एसिड इचिंग द्वारा किया जाता है. यह कांच के फलक के एक तरफ, कांच के साइड, आपने ग्लास के एक साइड गड्ढे देखे हुए ना, कांच के एक साइड तो गड्ढेदार सतह बनाता है और प्रकाश जो कि माध्यम से गुजरता है बिखरने से कांच को पारदर्शी प्रतिपादन का प्रभाव है. मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइट स्कैटरिंग इज पॉसिबल पासेस थ्रू ब्लरिंग इमेज, दस ब्लरिंग इमेज वाइल स्टिल ट्रांसमिटिंग लाइट. ट्रांसमिट कर रहे हैं लाइट तब भी आपका ब्लरिंग इमेज इज पॉसिबल आफ्टर द ग्लास. ओके,
क्लियर? मिस्टर, जो भी लोग पीडीएफ की बात करते हैं ना, एक चीज सुन लो, जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप फोन पर रखते हो, उसको पढ़ते नहीं हो। और पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता वाईफाई स्टडी ऐप से, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। पीडीएफ डेली अपलोड हो रही है, सो फर्स्ट टॉक इन अ मैनर, टॉक इन अ सेंस, देन आफ्टर वी विल डू समथिंग फॉर यू। आई एम डूइंग लॉट, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बिकॉज ऑफ आपके बेनिफिशियल के लिए पढ़ा रहा हूँ, आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है? आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना, इसीलिए हर एक छोटी छोटी चीज़ जो एग्ज़ाम में आई हुई है उसको रिलेट कर रहा हूँ मैं, हर एक पॉसिबल वे में, और पीडीएफ भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको देखना चाहिए, ठीक है? आगे नेक्स्ट वन इज आर्क लैंप। अब ये आर्क लैंप क्या है भैया? सो आर्क लैंप और आर्क लाइट इज अ लैंप दैट प्रोड्यूसेस लाइट बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क, जो इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से लाइट प्रोड्यूस करे, वोल्टाइक आर्क बोलते हैं जिसको, वोल्टाइक आर्क। द कार्बन आर्क लाइट विच कंसिस्ट ऑफ एन आर्क बिटवीन कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन एयर, ये यूज में इट कंटिन्यूड इन यूज इन मोर स्पेशलाइज एप्लीकेशंस वेयर अ हाई इंटेंसिटी पॉइंट लाइट सोर्स वॉज नीडेड। आपने कई तरीके के, इस तरीके के कई आपने ये बल्ब देखे होंगे आपने, ये आपका मर्करी आर्क लैंप है और ये आपका जेनॉन आर्क लैंप है, ठीक है? और एक और फिगर दिखा देता हूँ, इस ये आपने देखा होगा, ये टाइप का बल्ब, दिस इज क्रिप्टॉन आर्क लैंप, ये आपका क्रिप्टॉन आर्क लैंप है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है आर्क लैंप? मैंने आपको बताया कि आर्क लैंप या आर्क लाइट इज अ लैंप दैट प्रोड्यूसेस लाइट बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क कॉल्ड अ वोल्टाइक आर्क, ठीक है? विच कंसिस्ट ऑफ एन आर्क बिटवीन, जिसमें आर्क होती है किसके किसके बीच में, कार्बन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन एयर। ये आपका यूज में था, ये आपका कंटिन्यू मतलब यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया था, जहाँ पर हाई इंटेंसिटी पॉइंट लाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जैसे सर्च लाइट्स एंड मूवी प्रोजेक्टर में यूज किया जाता था। कब तक? वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक मूवी प्रोजेक्टर में जो है वो यूज किया जाता था, अंटिल आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द कार्बन आर्क लैंप इज नाउ ऑब्सोलेट फॉर मोस्ट ऑफ दीज पर्पज, बट इट इज स्टिल यूज एज अ सोर्स ऑफ हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट लाइट। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए अभी भी आप आर्क लैंप का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि कार्बन जो आर्क लैंप है उसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज इट इज स्टिल यूज इन हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट लाइट। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए आप आर्क लैंप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये आपका आर्क लैंप के बारे में था, क्लियर? सो दिस इज द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जेनॉन आर्क लैंप एंड मर्करी आर्क लैंप, ठीक है? जनरली ये तो नहीं देखा होगा आपने, ये जरूर देखा होगा, ठीक है? हाई इंटेंसिटी लाइट के लिए जो यूज किया जाता है, जैसे आपने वो देखा है, क्या बोलते हैं, जैसे वो लेजर लाइट टाइप देखी है, हाई इंटेंसिटी की होती है, दूर तक जाती है, समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है? उसी की तरह कुछ। आर्क इज द डिस्चार्ज दैट अकर्स व्हेन अ गैस इज आयोनाइज्ड। अब इसके बारे में ये थ्योरी है कुछ कि आर्क कैसे डिस्चार्ज होती है, जब गैस आयोनाइज्ड होती है। अब यहाँ पर मिस्टर सुदीप्ता बेहरा, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आर्क इज द डिस्चार्ज दैट अकर व्हेन गैस इज आयोनाइज्ड, हाई वोल्टेज इज पल्स्ड अक्रॉस द लैंप। हाई वोल्टेज इज पल्स अक्रॉस द लैम्प टू इग्नाइट और स्ट्राइक द आर्क। एक हाई वोल्टेज पल्स्ड फॉर्म में दिया जाता है जो आर्क को इग्नाइट करता है या स्ट्राइक करता है, आफ्टर विच द डिस्चार्ज कैन बी मेंटेन्ड एट लोअर वोल्टेज, जिसके बाद उसको लोअर वोल्टेज पर मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है? द स्ट्राइक रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट, यानी कि उसको जो आप स्ट्राइक करा रहे हैं उसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की रिक्वायरमेंट है जिसको इग्नाइटर
और ब्लास्ट, इग्नाइटर और ब्लास्ट के द्वारा किया जाता है। एक ब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्ट एक वायर होता है। द वायर ब्लास्ट इज वायर्ड इन सीरीज विद द लैंप एंड परफॉर्म्स टू फंक्शन। दो फंक्शन होते हैं उस ब्लास्ट के। पहला होता है कि जब पावर स्विच ऑन की जाती है तो इग्नाइटर या स्टार्टर जो पैरेलल होता है लैंप के, वो एक स्मॉल करंट जो है वो सेटअप करता है उस ब्लास्ट के थ्रू एक स्मॉल करंट सेटअप करता है। ये एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है विद इन द ब्लास्ट वाइंडिंग। ब्लास्ट के अंदर एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है एंड मोमेंट लेटर द स्टार्टर इंटरप्ट्स द करंट। उसके बाद क्या होता है, स्टार्टर इंटरप्ट करता है करंट फ्लो को फ्रॉम द ब्लास्ट विच हैज़ अ हाई इंडक्टेंस एंड देयरफॉर ट्राइज टू मेंटेन द करंट फ्लो। द ब्लास्ट अपोजेज एनी चेंज इन करंट थ्रू इट। ब्लास्ट जो है अपोज करता है ऑफ करने का, यानी कि आपने क्या किया, मोमेंट लेटर द स्टार्टर इंटरप्ट्स द करंट फ्लो फ्रॉम द ब्लास्ट विच हैज अ हाई इंडक्टेंस एंड देयरफॉर ट्राइज टू मेंटेन द करंट। जब आपका एक हाई इंडक्टिव सर्किट है तो वो अपोज करेगा चेंज इन करंट का, बट ज्यादा देर नहीं कर पाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है इट कैन नॉट एज देयर इन नो इज नो लॉन्गर इन सर्किट, ज्यादा देर नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट अ हाई वोल्टेज अपीयर्स, हाई वोल्टेज अपीयर होगा अक्रॉस द ब्लास्ट मोमेंटरली टू विच द लैंप इज कनेक्टेड, देयरफॉर द लैंप रिसीव्स दिस हाई वोल्टेज अक्रॉस इट विच स्ट्राइक्स द आर्क विद इन द ट्यूब और लैंप। द सर्किट विल रिपीट दिस एक्शन अंटिल द लैंप इज आयनाइज्ड इनफ टू सस्टेन द आर्क। यह प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आर्क सस्टेन ना कर ले। ठीक है, जब तक कि आर्क जो है वो सस्टेन ना कर ले, यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। क्लियर? तो ये था आर्क लैंप, कैसे आपकी आर्क जो है वो डिस्चार्ज हो रही है। मिस्टर सुदीप्ता, डाउट इज क्लियर? When the lamp sustain the arc, the ballast perform its second। जब भी आर्क, जब आपकी जो लैंप में जो आर्क है वो आपकी जल गई है, सस्टेन है, ठीक है, तो उस समय ब्लास्ट क्या परफॉर्म करेगा? दूसरा फंक्शन, यानी कि करंट को लिमिट करना, लिमिट द करंट जो दैट नीडेड टू ऑपरेट द लैंप, जो लैंप को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक करंट है उसको लिमिट करना। जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में हाई करंट है तो उसको लिमिट करने का काम ही आपका ब्लास्ट का दूसरा फंक्शन है। ब्लास्ट अपना दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। द लैंप ब्लास्ट एंड इग्नाइटर आर रेटिंग मैच्ड टू ईच अदर, दीज पार्ट्स मस्ट बी रिप्लेस्ड विद द सेम रेटिंग एज द फेल्ड कंपोनेंट ऑफ द लैंप विल नॉट वर्क। दिस थ्योरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए आर्क लैंप के बारे में, इसलिए ये थ्योरी लिख के लाया। थ्योरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज दैट मच, बस आपको पता होना चाहिए कि आर्क लैंप क्या है, ठीक है, और कौन कौन से आर्क लैंप यूज़ किए जाते हैं। आर्गन, जेनान, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेज, इनर्ट गैसेज यूज़ की जाती हैं, ठीक है, और आर्क को सस्टेन रखा जाता है कि जब तक कि लैंप आपका जल ना जाए, तो आर्क टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है बल्ब को जलाने के लिए आर्क टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। कलर जो है, लाइट का जो कलर है, कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द लैंप चेंज होगा, इट्स इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज विद द टेम्परेचर, तापमान के साथ साथ चेंज होगा और समय के साथ साथ चेंज होगा, तापमान और समय के साथ साथ चेंज होगा। लाइटनिंग जो है वो सिमिलर है विद लाइटनिंग इज सिमिलर प्रिंसिपल वेयर द एटमोसफियर इज आयोनाइज बाई द हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, सो द टेम्परेचर ऑफ द आर्क इन एन आर्क लैम्प कैन रीच सेवरल थाउजेंड डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका टेम्परेचर है आर्क में, द टेम्परेचर ऑफ द आर्क इन आर्क लैम्प कैन रीच सेवरल थाउजेंड डिग्री सेल्सियस, कई हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आउटर ग्लास एनवेलप कैन रीच 500 डिग्री सेल्सियस, हाथ से पकड़ सकते हैं आप उस बल्ब को, नहीं पकड़ सकते, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो ग्लास आपने यूज किया है उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। ओके, जी हाँ, सो मच थ्योरी, सो मच थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, देयरफॉर सो मच थ्योरी। दिस इज अ टाइप ऑफ लैंप, मैंने आपको लैंप का एग्जाम्पल इसीलिए दे दिया ताकि आप देख कर समझ जाएं कि ये कौन सा लैंप है, ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी।
अब आपको इस पर क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है, इस तरीके के जो आप देख रहे हैं ना, रिकमेंडेड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि किस जगह पर कितना ल्यूमिनस फ्लक्स होना चाहिए, सॉरी किस जगह पर कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में कई बार ही पूछ लिया गया है, प्रैक्टिकल डेटा जो है वो पूछा गया है। जैसे अगर बात की जाए, एक नंबर का क्वेश्चन रेलवे टेस्ट सीरीज में है, एक नंबर का क्वेश्चन बता देता हूं आपको, पूछा गया था हाउस होल्ड्स में कितना इल्यूमिनेशन रिकमेंडेड है, हाउस होल्ड्स में कितना इल्यूमिनेशन जो है वो रिकमेंडेड है। तो अभी आपको इल्यूमिनेशन, आपको पता है कि ये 50 लक्स 100 लक्स कहाँ यूज़ किया जाता है, 150 लक्स कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये सारे इल्यूमिनेशन के अलग अलग लेवल्स हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले वेरी लो इल्यूमिनेशन, सबसे कम इल्यूमिनेशन की बात की जाए जो 50 लक्स से नीचे का है, वो यूज़ किया जाता है इंट्रेंसेस टॉयलेट्स में, ठीक है, कन्वेयर्स में, ऑयल स्टोरेज टैंक्स में, सब अर्बन रोड्स, यानी कि जो शहरी नहीं होते हैं, कम मतलब विकासशील शहर, विकास की ओर बढ़ रहे शहर, सब अर्बन रोड्स 0.5 to 1.5 lakhs, मैन थोरोफेयर्स स्मॉल टाउन्स 5 to 10 lakhs, बिग सिटीज 15 to 30 lakhs, फैक्ट्री लाइटिंग एंड यार्ड्स 0.5 to 15 lakhs, इतने लक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लो इल्यूमिनेशन, लो इल्यूमिनेशन इज 100 lakhs, तो 100 lakhs के लिए कौन सा यूज किया जाता है, 100 lakhs कहां पर यूज किया जाता है, दैट इज कॉरिडोर्स स्टेयरवेज, बाथरूम, बेडरूम, नर्सरीज, रफ वर्क सच एज इन पार्किंग एरियाज, वेयर हाउसेज, कोल पार्किंग एरियाज, वेयर हाउसेज, कोल एंड एश हैंडलिंग प्लांट, बॉयलर रूम्स, कंप्रेसर रूम, बैटरी चार्जिंग रूम, ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर रूम, स्टोर्स ETC। हाउस होल्ड्स में भी इतने लक्स के लगभग यूज़ किया जाता है, 100 to 150, देख सकते हैं आप, 100 लक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं और 150 लक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिविंग रूम्स हाउस होल्ड्स में जो जनरल रिकमेंडेशन ऑफ लेवल, जनरल रिकमेंडेशन है लक्स का, वो है आपका 150 लक्स। सो कैजुअल रीडिंग्स, लिविंग रूम्स, वॉशिंग रूम्स, रिसेप्शन रूम, लेक्चर थिएटर, असेंबली हॉल, लेक्चर थिएटर लाइक दिस ओनली, ठीक है, असेंबली हॉल, टॉयलेट, वॉशरूम्स, डाइनिंग रूम्स, दीज आर, ये सब जगह हैं जहां पर आपके मॉडरेट इल्यूमिनेशन यूज़ किया जाता है, मॉडरेट इल्यूमिनेशन 150 लक्स का। पढ़ लेंगे इसको, हंड्रेड टू वन फिफ्टी लक्स, 100 to 150 lakhs आपका हाउस होल्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। हाई इल्यूमिनेशन 200 लक्स के लगभग, किचन सिंक्स वगैरह में, कुकर्स एंड टेबल, बेकरीज, लॉन्ड्रीज, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, जनरल वर्क बेंचेस, ये सारे जगह जो 200 लक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जनरल ऑफिस वर्क इंक्लूडिंग बुक कीपिंग, टाइपिंग, फिलिंग, कैशियर, काउंटर, ड्राई, ड्राइंग, ऑफिस जनरल, ये सारे जगह आपका 300 लक्स यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटिंग रूम्स इन हॉस्पिटल्स यूजेस 300 लक्स। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें से खोज लीजिएगा आप, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप उसमें खोज लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे हॉस्पिटल पूछ सकता है ना कि हॉस्पिटल में कितना लक्स यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग रूम्स के कितना इल्यूमिनेशन लेवल है, तो ये पूछा जा सकता है। ऑर्डिनरी वेल्डिंग, साधारण वेल्डिंग में, सोल्डरिंग में, ठीक है, इन सब जगह आप इस्तेमाल करते हैं। 450 के लिए 450 इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड इन ड्राइंग बोर्ड्स, फाइन पेंटिंग एंड फिनिशिंग, जहाँ पर आप पेंटिंग एंड फिनिशिंग का काम करते हैं वहाँ पर आपको यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट है वो आप इसमें से खोज के पढ़ लीजिएगा। वेरी हाई इल्यूमिनेशन 700 लक्स का कहाँ पर, एम्ब्रॉयडरीज, जहाँ पर आप सिलाई कढ़ाई करते हैं वहाँ पर, और 700 लक्स एक्सेप्शनली अबव, 700 लक्स से ऊपर डाई मेकिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, गेज इंस्पेक्शन एंड प्रिसीजन ग्राइंडिंग 1000 लक्स। नेक्स्ट वन इज ग्लेयर। अब इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, ग्लेयर क्या है, सबसे पहले ग्लेयर क्या है,
तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी आंखें हैं अकॉर्डिंग टू द लाइट, आपकी आंखों की जो रेटिना है वो अकॉर्डिंग टू द लाइट जो है वो एडजस्ट होता है। जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा लाइट में खड़ा हूँ तो अगर मेरी रेटिना पर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो ज़्यादा लाइट पर वो क्या है, सिकुड़ती है ना। तो इस तरीके का कुछ ग्लेयरिंग रिलेटेड है। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट, समझ में आता है ये कि लाइट इज़ यूजफुल मीडियम ऑफ सीइंग सो लॉन्ग इट फेल्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, कई बार देखने में फेल हो जाती हैं। यदि हाउएवर लाइट इंटर्स द आई डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इट प्रोड्यूसेस ग्लेयर, यदि लाइट डायरेक्ट एंटर करे डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट इट प्रोड्यूसेस ग्लेयर, ग्लेयर प्रोड्यूस करता है। आयरिस और प्यूपिल इन ऑर्डर टू सेव द आई फ्रॉम डैमेज विल एडजस्ट इट्स ओपनिंग डिपेंडिंग अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प, वो अपने आप एडजस्ट करती है, अपनी आयरिस और प्यूपिल जो है वो अपने आप एडजस्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन द ब्राइटनेस, ब्राइटनेस के अनुसार। कई बार आप लोग सुबह रात भर सो के सुबह जब उठते होगे, ठीक है, कई बार आप जो सुबह उठते होगे तो आप लाइट जलाते हैं, कभी लाइट जलाते ही आपकी आंखें जो हैं वो बंद सी रहती हैं, क्यों क्यों? अगर आप, मैं आपको बताऊं एक जनरल ऑब्जर्वेशन बताऊं कि अगर आप 48 घंटे किसी अंधेरे कमरे में रह जाते हैं जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, अगर आप 48 घंटे किसी अंधेरी जगह पर, यानी कि जहां बिल्कुल भी प्रकाश ना हो, ध्यान से सुनिएगा, जहां बिल्कुल भी लाइट ना हो, वहां पर अगर आप रह जाते हैं 48 घंटे तो आपकी आँखें वैसे ही देखने लगेंगी जैसे आप लाइट में देखते हैं, जैसे आप प्रकाश में देख रहे होते हैं वैसे ही आपकी आंखें एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर उस लाइट अंधेरे कमरे में, जो आपका पूरे तरीके से अंधेरा है, अगर उस अंधेरे कमरे में अचानक से जरा सी भी लाइट आती है, सडन अगर जरा सी भी लाइट आती है तो आपकी आंखें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ही आपका एक जनरल साइंस का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो लाइट जो है वो धीरे धीरे, अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं तो लाइट जो है वो स्मॉल धीरे 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 इंक्रीज़ की जाती है। ये रिसर्च किया गया है, तब आपकी आंख जो है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। विल एडजस्ट इट्स ओपनिंग डिपेंडिंग अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प, the contraction of the pupil leads to diminishing the proportion of the light after being reflected from the object and entering into eye. Glare, which is caused by the source of light, glare जो light के source की वजह से होता है, जिसको हम direct glare बोलते हैं, उसको reduce किया जाता है दो तरीके से, या तो height बढ़ा दो, lamp की height बढ़ा दो, और दूसरा है reflector, रिफ्लेक्टर का यूज कर लीजिए, जिसका विच कट ऑफ द लाइट एट 200 टू ओरिजेंटल, ये 20 डिग्री होगा आई थिंक, वेट अ मिनट, ओके 20 डिग्री होगा ये, दिस इज 20 डिग्री, इसको 200 नहीं है, ये 20 डिग्री है, यानी कि वो कितना एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल के साथ, 20 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। आप उतने डिग्री पर रिफ्लेक्टर इस्तेमाल कीजिए तो आपके जो ग्लेयर है वो रिड्यूस किया जा सकता है, जो ग्लेयर है वो रिड्यूस किया जा सकता है, क्लियर। प्रांकुल शाक्य, ग्लेयर समझने में नहीं आया, डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के कॉन्टेक्ट में अगर आपकी आंखें आती हैं तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट पर अगर आपकी आंखें आती हैं, दैट इज कॉल्ड ओनली अ ग्लेयर, ग्लेयर विच इज कॉज्ड बाय द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डायरेक्ट ग्लेयर, ठीक है, विच इज बिकॉज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, आंखों की लाइट के सोर्स की वजह से होता है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ जाएंगे।
पहला है ग्लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू, ग्लेयर किसकी वजह से होता है, तो पहला आपका है None of, both of, ये तो दो ऑप्शन अलग हो गए, सी और डी जो है वो एक्सेसिव लाइटनिंग कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड ऑफ विजन, एक्सेसिव लाइटनिंग की वजह से होता है और एक्सेसिव ल्यूमिनेंस की वजह से होता है, इनमें से इन दोनों में से किसकी वजह से, या इन दोनों में से किसी वजह से नहीं होता, या इन दोनों वजहों से होता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, बताइए फटाफट। Yes, correct. B answer is right. Both C and D, दोनों की वजह से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि glare क्या है, ठीक है? अब आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि glare क्या है, clear? क्लियर, सही है, बोथ इज राइट। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइट फिटिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट फिटिंग। अब डायरेक्ट फिटिंग क्या है, आप सभी लोगों ने अपने अपने घर पे फिटिंग अलग अलग बल्ब के, अलग अलग बल्ब पे अलग अलग टाइप के होल्डर्स जो है वो लगा रखे होंगे, है ना? तो लैंप होल्डर तो नहीं है ये, लाइट लैंप का होल्डर तो नहीं है, बट फिटिंग जो है वो आपने कर रखी होगी। फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ फिटिंग यू हैव यूज्ड इन समवेयर्स, आपने होटलों वगैरह में, होटल वगैरह में देखा होगा, ठीक है? कई बार होटल्स वगैरह की लाइट जो है वो इस अच्छी लगाई जाती हैं ताकि फ़र्क पड़े, आपके कस्टमर्स पर फ़र्क पड़े, तो आपने इस तरीके की लाइटिंग जो है वो देख रखी होगी, है ना? सो यही आपकी डायरेक्ट फिटिंग है, लाइट की डायरेक्ट फिटिंग यही है। अब ये पहले आप फिगर देख लो, उसके बाद आप इसको पढ़ो। डायरेक्ट फिटिंग, यहाँ 90% से 100% लाइट फ्लक्स जो है, लाइट फ्लक्स इज लैम्प एंड फिटिंग इज इन लोअर हेमिस्फीयर एंड 0 to 10% ऑफ द लाइट फ्लक्स इन अपर हेमिस्फीयर। 10% लाइट अपर हेमिस्फीयर पर जाएगी और 90 से 100% लाइट फ्लक्स जो है वो आपका लोअर हेमिस्फीयर पर जाएगी। लोअर हेमिस्फीयर मतलब अर्ध गोला। सो लोअर हेमिस्फीयर से 90 से 100% लाइट जो है वो बाहर निकलेगी और 0 से 10% अपर हेमिस्फीयर पर। दिस फिटिंग्स आर एफिशिएंट, इस तरीके की फिटिंग जो एफिशिएंट होती है, सस्ती होती है और हार्ड लाइट देती है, एंड गिव्स हार्ड लाइट एंड हैव टनलिंग इफेक्ट होता है। सीलिंग रिमेन्स डार्क, जो आपकी इसकी सीलिंग होती है, दैट इज सीलिंग, उसके ऊपर का पोर्शन वो डार्क रहता है, वो आपका डार्क रहता है, क्लियर? जी हाँ, तो आपका ये डायरेक्ट फिटिंग हो गया, दिस वन इज डायरेक्ट फिटिंग। एंड बाकी टाइप्स ऑफ फिटिंग जो है वो कल की क्लास में हो जाएगा, फॉर टुडेज क्लास दिस इज इनफ। Let us start some questions. कुछ questions कर लेते हैं फटाफट से, इन questions के जवाब दीजिए। सबसे पहला है illumination required in precision work. Precision work में कितना illumination required है? अब आपको अभी जो objective question वो पूछा गया था उसी पर based है, बताइए। What is the precision required in what is the illumination required in precision work? ये तीन question करेंगे, उसके बाद remaining question वो आपको homework पर दूंगा, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। रिमेनिंग टाइप्स ऑफ फिटिंग्स वी विल स्टडी टुमारो। ओके, अभी आप लोगों ने पढ़ा था प्रिसीजन के लिए कितना चाहिए, कितना ल्यूमिन प्रिसीजन वर्क के लिए,
Yes, correct. 500 lumen per meter square. Very good. 500 lumen per meter square is right. For the same wastage, which lamp is the cheapest? अब ये क्वेश्चन जो है वो अगर अभी अभी आपको सोडियम वेपर पता है, मरकरी वेपर पता है, फ्लोरिसेंट लैंप पता है, एग्जाम में एसएससी जेई में या रेलवे जेई में चार ऑप्शन आए होते ना, तो तीन भले आपको पता होता, उस कंडीशन पर अगर आपको जीएलएस नहीं पता होता थोड़ा सा भी, तो शायद आप इस क्वेश्चन को टिक नहीं करते। लेकिन अभी जीएलएस के बारे में आपको पता है, जनरल लाइटनिंग स्कीम या जनरल लाइट सर्विस, तो आपको अब इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। आपको पता है कि सब अर्ली 20वीं शताब्दी में आप इसी बल्ब का इस्तेमाल करते थे और ये सबसे सस्ता होता है, ये सबसे सस्ता होता है। जीएलएस लैंप इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जीएलएस लैंप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन सिनेमा प्रोजेक्टर इज, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन सिनेमा प्रोजेक्टर इज, सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा इल्यूमिनेशन सोर्स जो है वो यूज किया जाता है। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर अ सिनेमा प्रोजेक्टर इज कार्बन आर्क। वेरी गुड, कार्बन आर्क इज द राइट आंसर। कार्बन आर्क लैंप इज द राइट आंसर। अभी अभी आपको बताया कि कार्बन आर्क आर्क लैंप का इस्तेमाल करते हैं, आप आर्क लैंप का इस्तेमाल करते हैं सिनेमा प्रोजेक्टर्स में, अभी अभी आपको बताया। सो डी आंसर इज राइट। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 27 तारीख को, 27 ऑफ जनवरी को ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सारे क्वेश्चन रिस्पेक्टिव 27 और 29 को जो है वो पूछे गए हैं। 29 रिस्पेक्टिव डेट्स में ये क्वेश्चन जो है वो एक के बाद एक पूछे गए हैं। ओके, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछ लिए जाते हैं। मिस्टर किलर, आपको वो क्वेश्चन जो पूछा गया है आपने, वो अगर जनरल लैंप्स की बात की जाए तो फ्लोरिसेंट लैंप जो होता है वो आपका फ्लोरिसेंट लैंप दैट इज कॉस्टली, फ्लोरिसेंट लैंप जो होता है वो कॉस्टली होता है। नेक्स्ट करिए, यहां पर ये दो क्वेश्चन और करो, ये दो क्वेश्चन, दीज टू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बताइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। बिल्कुल करेक्ट, प्रूफ रीडिंग रिक्वायर्स हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। So A is the right answer, okay? Proof reading is the right answer of this question. Next, the type of the lamp having highest level illumination, highest illumination efficiency. कौन से type का lamp है जिसकी highest illumination efficiency होती है? कौन से type का lamp है जिसकी highest illumination efficiency होती है? मिस्टर सुदीप्ता बेहरा, प्रूफ रीडिंग मतलब आपको समझो कि आपको पढ़ना है। प्रूफ रीडिंग मींस आपको एरर छांटनी है, ठीक है? जैसे मैं अभी ये आपको किसी पेज में 25 क्वेश्चन उतार के दे दूं, 25 सवाल उतार के दे दूं, या ऐसी थ्योरी जो अभी आर्क लैंप की थ्योरी देखी आपने, उस आर्क लैंप की थ्योरी अगर मैं आपको कह दूं उतारने के लिए, मतलब उतार के दे दूं और आपको कहूं कि ये बुक है, ये ओरिजिनल है और इससे आप इसको
इसमें देखो कि इसमें एरर है कि नहीं है, तो आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन कंपेयर करोगे कि अरे इसमें गलती तो नहीं, अरे इसमें गलती तो नहीं है, वही आपका प्रूफ रीडिंग होता है, वही आपका प्रूफ रीडिंग होता है। हाँ, हाउ कैन इट बी सी मैन, कैसे सी हो सकता है? आपको मैंने बताया था कि सी का होता है 22 से 33 होता है, इसका होता है 40 से 50 लुमेंस पर वाट। हाउ कैन इट बी सी? सी तो बिल्कुल नहीं है। फ्लोरिसेंट लैंप इज द राइट आंसर, फ्लोरिसेंट लैंप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्लोरिसेंट लैंप, SSC JEE ने इसका आंसर सी दिया है, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप 200 लुमेंस पर वाट, बिल्कुल नहीं, 22 से 33 लुमेंस पर वाट, लुमेंस पर वाट 22 से 33। फ्लोरिसेंट गिव्स हायर देन मरकरी, आपको कल ही बताया मैंने, फ्लोरिसेंट लैंप गिव्स हायर देन मरकरी वेपर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ये चार क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ये चार क्वेश्चन करिएगा। इनकैंडिसेंट लैंप इज फिल्ड बाई, ये सारे क्वेश्चन आप कीजिएगा। एसी डिचिंग नहीं होगा यहाँ पर, आर्गन होगा, दिस इज आर्गन, दिस इज़ नॉट AC डिचिंग, दिस इज़ आर्गन, ये आपका आर्गन है, ठीक है, गलत लिख गया है, ये आर्गन है। Which of the following is not an indoor lightning? कौन सी indoor lightning नहीं है? What is the function of choke? Again same question, the disadvantage of fluorescent lamp as compared to GLS lamp. Disadvantage क्या है? तो ये सारे question आप solve कीजिएगा घर पे, मिलते हैं आपसे कल की class में। Thank you so much for today's class, as well as आपको मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ फिर से अगेन, एंड ये सभी आप सभी लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है। क्या है ये इम्पोर्टेंट, आपको बार बार बोला जा रहा है बेनिफिशियल है तो आपको समझना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। रेलवे का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है, रेलवे ने अपना कोर्स जो है टॉप 1000 MCQ का, रेलवे ने तो नहीं मतलब वाईफाई स्टडी ने, रेलवे का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया टॉप 1000 MCQs का, टॉप 1000 MCQs का कोर्स जो है वो आपका चालू हो चुका है, कल से स्टार्ट है, 8 अगस्त से स्टार्ट है। इलेक्ट्रिकल की टाइमिंग्स जो है, इलेक्ट्रिकल का जो टाइम है रेलवे के कोर्स का, टॉप 1000 एक्सपेक्टेड MCQs का जो कोर्स है वो आपका है कल से, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल पर लगभग 300 से साढ़े 300 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल पर, पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। टाइमिंग है 6 PM to 7 PM, टाइमिंग इज 6 PM to 7 PM, ओके। सो दिस इज़ द टाइमिंग, एनी वन वॉन्ट्स टू परचेज कैन परचेज टूडे, आप अभी ही परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर रेलवे सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर सिलेक्ट करिए कोर्स और पेमेंट कर दीजिए। कितने महीने के लिए आपको लेना है, 1 महीने 3 महीने या 6 महीने, कितने महीने के लिए आपको लेना है वहाँ पर आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको PDF पर भी मिलेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि 300 से साढ़े 300 सवाल हैं, आपको PDF पर भी मिलेंगे और इसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। डेली बेसिस पर बेसिक इलेक्ट्रिकल तकरीबन 6 से 7 दिन, मशीन 6 से 7 दिन। सिमिलरली ये सब्जेक्ट कंसेक्यूटिव मैनर में अगस्त लास्ट वीक तक जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, 20 दिनों का सिलेबस है, 20 दिन के अंदर हम इस पूरे टॉप 1000 एक्सपेक्टेड MCQs को ख़त्म कर लेंगे।
आपका जो एग्जामिनेशन डेट एक्सपेक्टेड है उस डेट तक खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा करेंटली एसएससी का जो है सब्सक्रिप्शन, एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, इस पर कोर्स जो है वो लाइव है और पिछले 29 जुलाई से लगातार चल रहा है, 29 जुलाई से, ठीक है। आप यहां पर एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स को प्रैक्टिस कराया जा रहा है यहां पर, यानी कि क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप यहां पर पढ़ चुके हैं उन्हीं सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। एसएससी जेई में बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप इस सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको तकरीबन 1000 रुपये पर मंथ का है और जिस पर डिस्काउंट कोड लगाकर ये आपका 900 रुपये पर मंथ का हो जाएगा, 900 रुपीज़ पर मंथ। ये 16 सितंबर तक चलने वाला है, 16 सितंबर तक जो है वो चलने वाला है। 23 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, 16 सितंबर तक चलने वाला है। कोई भी चाहे तो अभी भी परचेज कर सकता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज यहाँ पर करा रहा हूँ, यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल कराऊंगा कल से, यहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करा रहा हूँ और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आज ही शुरू हुआ है, तो आप दोनों सब्जेक्ट एक साथ क्वेश्चंस के साथ कवर अप कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको लाइफ के साथ अगर आप अच्छा चाहते ही हैं कुछ तो परचेज कर लीजिए, ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, थैंक यू सो मच।